आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ग्वालियर जिले के प्रभारी और मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट कोरोना टीकाकरण महाभियान में शामिल हुए। प्रभारी मंत्री ने ग्रामीण अंचल के टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर टीकाकरण करवाने आए लोगों का उत्साहवर्धन कर उन्हें पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं पर प्रभारी मंत्री ने ग्वालियर जिले के मकोड़ा, टेकनपुर, डबरा अस्पताल सहित ग्रामीण क्षेत्र के अन्य टीकाकरण केंद्रों का जायजा लिया और इस महा टीकाकरण अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों से टीका लगवाने की अपील करते हुए कहा कि इस महामारी से टीकाकरण ही बचाव है, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने लोगों को मास्क वितरित किए। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री के साथ ग्वालियर ग्रामीण भाजपा जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा सहित अन्य भाजपा नेता, जनप्रतिनिधि और आईजी अविनाश शर्मा, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, एसपी अमित सांघी, जिला पंचायत सीओ किशोर कन्याल, एसडीएम प्रदीप कुमार शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी प्रभारी मंत्री के साथ मौजूद रहे। महाअभियान के रूप में परम सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में और राज्य के प्रधानमंत्री का संकल्प है, इस कोविड को, इस आपदा को, इस बड़ी चुनौती को हमको हराना है और इसका सुरक्षा कवच कोई है हमारा टीका और वैक्सीन है। इसलिए मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में, हर वो छोटे हर वार्ड में, हर तबके में आज महाअभियान के रूप में वैक्सीन 100% लगे, ये संकल्प है। और जिन भाई बहनों के उत्साह के साथ एक पूरे मध्य प्रदेश में जन आंदोलन ये हो चुका है, मेरा पूरा विश्वास है कि अभी पंच और सरपंच मिले उस पंचायत में 100% वैक्सीन होगी। मैं उनका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ, इस कोविड को हराना है तो 100% प्रथम और द्वितीय दोनों डोज लगाना अनिवार्य है। मैं भाई और बहनों से यही अनुरोध करता हूँ, बेटे और बेटियों से, खुद की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, ग्वालियर की सुरक्षा, मध्य प्रदेश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा इस कोविड से कोई कर सकता है तो टीकाकरण और वैक्सीन 100% लगे, यही अनुरोध। कैसी महामारी में सिविल हॉस्पिटल की हालत खस्ता है सर, क्या कहेंगे? एक डॉक्टर है, डॉक्टर मिश्रा, जिन्होंने पूर्व मंत्री इमरती देवी के साथ कल भी बहस हुई थी उनके साथ और कलेक्टर साहब ने भी साथ क्या करते होंगे? आप मेरे संज्ञान में रहा हूँ, इस पर उनका आचरण ठीक नहीं होगा तो कड़ी कार्रवाई।